नमस्कार। पिछले कुछ दिनों में देश में विधान परिषद के नाम पर राजनीति शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने विधान परिषद का दाव चला है। रिपोर्ट की माने तो ममता बनर्जी विधान परिषद का गठन इसलिए करना चाहती है क्योंकि वह अपनी सीएम कुर्सी गंवाना नहीं चाहती, लेकिन इसकी असल वजह तो कुछ और ही है। इसके पीछे ममता बनर्जी का केंद्र सरकार को घेरने का पूरा प्लान तैयार है। आपको असली वजह बताने से पहले कैसे ममता बनर्जी की सीएम कुर्सी जा सकती है वह समझ लेते हैं। दरअसल ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव में अपनी पारंपरिक सीट भवानीपुर को छोड़कर सुबंधी अधिकारी से जीतने के लिए नंदीग्राम से इलेक्शन लड़ने का डिसीजन लिया था। वह करीबन 2000 वोटों से हार गई, इसलिए वह किसी सदन की सदस्य नहीं रही। नियम के मुताबिक ममता बनर्जी को सीएम शपथ से 6 महीनों के अंदर इलेक्शन जीतकर सदस्य बनना जरूरी है, नहीं तो उन्हें इस्तीफा देना होगा। दिक्कत यहाँ आ रही है कि कोरोना की वजह से इलेक्शन कमीशन ने चुनाव पर रोक लगा रखी, जिसकी वजह से वह विधान परिषद की सदस्य बन सीएम कुर्सी बचा लेगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड के सीएम को भी इसी वजह से इस्तीफा देना पड़ा था। यह तो थी मीडिया की बातें, लेकिन आपको पता होगा कि राजस्थान ने भी विधान परिषद गठन करने के लिए प्रस्ताव कैबिनेट पास कराया है। अब आप ही सोचिए सीएम गहलोत को कौन सी कुर्सी बचानी है। यह सब विपक्षी पार्टियों के बीच हुई मीटिंग का खेल है। पिछले दिनों दिल्ली में विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार यानी कि बीजेपी को 2024 में हराने की प्लानिंग बनाई थी। सभी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ कोई ना कोई मुद्दा उठाकर उसे गर्म करना चाहती और बीजेपी की नीयत पर सवाल उठाना चाहती। आप पूरी बात समझिए कि हो क्या रहा है। पश्चिम बंगाल और राजस्थान ने जो प्रस्ताव पास किया है उसे राज्य की विधानसभा में मेजॉरिटी के साथ पास करना होता है। इसके साथ ही इसे संसद में भी पास करना जरूरी है जहां पर बीजेपी सरकार की मेजॉरिटी। यहां बीजेपी की अनुमति के बिना कोई बिल पास नहीं होता। इसी पर अब ममता बनर्जी और विपक्षी पार्टियों की सोच है कि पार्लियामेंट इसको मंजूरी ना देगी और इसे ही एक बहुत बड़ा मुद्दा बना लेंगे। अब आप कहेंगे कि 2024 आने में तो टाइम है, अभी क्यों किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि अगले 1.5 सालों में 6 राज्यों में चुनाव है जहां बीजेपी की पकड़ मजबूत है, तो उन्हीं चुनावों को देखते हुए अब एक एक कर विपक्षी पार्टियां जबरदस्ती के मुद्दे बना रही है, बीजेपी को हराना चाहती है। इसकी एक वजह और भी हो सकती है। इलेक्शन के वक्त पार्टियों के कई बड़े बड़े नेता टिकट ना मिलने पर वह नाराज चल रहे हैं। ऐसे में नाकारा नेताओं की नाराजगी दूर करने के लिए उन्हें विधान परिषद का सदस्य बना ले इस बारे में सोच रहे हैं। अब सबकी नज़रें केंद्र सरकार पर ही रहेगी कि क्या वह विधान परिषद को मंजूरी देती है या फिजूल खर्च बताकर निरस्त कर देगी। आपको आने वाले दिनों में ऐसे ही कई सारे मुद्दे उठते दिखेंगे। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।